हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। अभी देखते हैं क्या सेंटीमेंट्स आज के रहने वाले, कहाँ ट्रेडिंग होने वाली। कल कुछ रेंज हमने दिया था कि मार्केट कहाँ तक जाएगा ऊपर और नीचे का क्या रेंज था। ऊपर मार्केट 72,000 के ऊपर निकलता तो हमारे लिए 72,800 का रेंज था, वो मार्केट ने देखा। उसके बाद में नीचे आता है तो हमने आपके लिए जो इवनिंग के एनालिसिस कर रहे थे 71,500 की लेवल को मैंने इंपॉर्टेंट बताया था। अभी उससे मार्केट लगभग 150 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज किया है, तो क्या अभी निगेटिव सेंटीमेंट्स जारी रहने के चांसेस हैं या फिर मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा, सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। लेकिन आप नए हैं तो एक बार लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में अपनी कम्युनिटी चैनल में शेयर करना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, यहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसमें मैं अपने व्यूज़ को पोस्ट करता रहता हूँ, कैसे यहाँ पर क्या सेंटीमेंट्स बनने वाले हैं और क्या इसमें नेक्स्ट स्ट्रेटजी रहने वाली है। मैंने ऑलरेडी बताया 71,500 का लेवल इंपॉर्टेंट है वॉच करने के लिए। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं फ्रेंड्स, जो करंट कैंडल का सिचुएशन बना हुआ है अभी मार्केट के लिए 72,200 ये रेंज मार्केट के लिए दोबारा से इंपॉर्टेंट काम करने वाली है। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा नए ट्रेंड का एक्सपेक्टेशन नहीं करना है। अगर मार्केट की ओपनिंग इसी रेंज में होती है तो आपको एक बार दोबारा से 500 के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अगर 500 को ये ब्रेक करता है तो नेक्स्ट इमीडिएट इसके लिए सपोर्ट रहेगा 71,200 और उसके बाद में 71,000 होता हुआ 70,800, मतलब नीचे की तरफ आपको 200 पॉइंट पे सपोर्ट मिलने के चांसेस रहेंगे। अगर यही मार्केट ऊपर निकलता है इस 200 पॉइंट को ब्रेक करके तो फिर इसमें ऊपर निकलने के चांसेस 73,000 को भी आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। लेकिन आज की पॉसिबिलिटी थोड़ा मिक्स रहने के चांसेस हैं, जो कि लगभग रेंज बाउंड साइडवेज टू रेंज बाउंड रहेगा या फिर मार्केट थोड़ा सा 71,200 के आसपास या फिर 71,000 के आसपास आने की कोशिश कर सकता है। लेकिन ये पॉसिबिलिटीज है अभी इस मार्केट में थोड़ा श्योर नहीं है, क्योंकि मार्केट की ओपनिंग होती है ऊपर जाता है जो कल की एनालिसिस थी, उसके बाद रेजिस्टेंस जो इसका था वहाँ से रिस्पेक्ट लेता हुआ नीचे की तरफ आता। अब नीचे इसने प्रीवियस डे के जो यहाँ पे क्लोजिंग किया था उसके लगभग नीचे आने के बाद में थोड़ा रिकवर किया है, तो ऑलमोस्ट हम सिमिलर मान के चलते हैं। लगभग इसने क्लोजिंग 71,641 के आसपास दिया है और क्लोजिंग भी जो इससे पहले की हुई थी प्रीवियस डे की अगर बात करते हैं तो लगभग उसी के आसपास हुई थी जो इसने क्लोज किया था 71,635 के आसपास किया, मतलब लगभग सेम है। अगर मार्केट दोबारा से 500 को ब्रेक करता है तो आपके लिए नीचे 300 से 400 पॉइंट का मूव रहेगा। बहुत ज़्यादा मूव के लिए हम नहीं देखेंगे, मार्केट अपसाइड में जाने के थोड़े चांसेस कम लग रहे हैं आज, देखते हैं कैसा रहेगा। ओवरऑल साइडवेज टू रहने के चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी तो 300 से 400 पॉइंट में मोमेंटम होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं तो मार्केट के लिए 4 आवर सेटअप में एक बड़ी कैंडल बनती है, इसने पूरे दिन के मूड को ख़राब कर दिया था। इसमें हम एनालिसिस कर रहे थे, मैंने आपको यहाँ का टारगेट दिया था। अब इसके बाद में दोबारा से यहाँ से रिकवर भी कर गया है लगभग 450 पॉइंट के आसपास, तो रिकवरी होने के साथ में अभी इसको दोबारा से मार्केट को डिसाइड करना चाहिए। कैंडल अभी ऊपर दिखाई पड़े लेकिन क्लोजिंग इसकी लगभग 71,641 के आसपास यहाँ पे कहीं क्लोजिंग हुई है इसकी, तो क्लोजिंग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है कि मार्केट में कुछ हम बुलिश ट्रेंड के लिए देखें। डिसाइडिंग मार्केट है, पहले इसको डिसाइड करने देते हैं उसके बाद में हम एंट्री का नेक्स्ट प्लान करेंगे। अब इसके बाद में डेली टाइम फ्रेम में अगर फ्रेंड्स हम देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मार्केट ऊपर से आके ऑलमोस्ट क्लोजिंग बराबर पे दिया है जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग है और कल 2 दिन की क्लोजिंग लगभग सेम पॉइंट पे हुई है, ये इंपॉर्टेंट है। इनके नीचे निकलता है तो इसी वजह मैं बोल रहा हूँ आपको नीचे दोबारा से देखने को मिल सकता है, 200 पॉइंट पे आपको एक रेजिस्टेंस मिलेगा और 70,800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे ऊपर की तरफ मार्केट एज इट इज बना हुआ है तो इसी रेंज में मार्केट को फिलहाल ट्रेवल करना चाहिए फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ में कैसा रहेगा मैं उसको आपको जरूर शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले आप नए हैं तो एक बार मेरे साथ जुड़िए, आपको यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग और नए फीचर्स मिलने के चांसेस रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।